लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई दिल्ली लोकसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जनता को धन्यवाद किया। सोमनाथ ने कहा कि आज से पहले कभी भी आम आदमी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को इतनी वोट कभी नहीं मिली थी। इसके लिए वह नई दिल्ली की जनता का धन्यवाद करते हैं। साथ ही नई दिल्ली से विजयी उम्मीदवार बासुरी स्वराज को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनता की जिम्मेदारी को वह अच्छे तरीके से निभाएं, इसकी कामना करते हैं। वहीं सोमनाथ भारती ने चुनाव परिणामों पर भाजपा और मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छूने दिया। हार जीत लगा रहता है, लेकिन बहुत कम मार्जिन से इस पे सांसद बनने का जो दायित्व मिलने का था वो रह गया। लेकिन मैं एक एक व्यक्ति को, एक एक शख्स को जिनसे मैं मिला, जिन्होंने मुझे वोट दिया, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने नहीं दिया उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो मैंने वादा किया था अपने चुनाव प्रचार के दौरान कि मैं हमेशा आपको उपलब्ध रहूँगा, जिस प्रकार से मैंने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की सेवा की है, जैसे इनके लिए उपलब्ध रहता हूँ वैसे आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। जब भी जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े मैं हमेशा आपको उपलब्ध खड़ा मिलूँगा। कई सारी मुसीबतें हुई, बड़ी कठिनाइयाँ आई पूरे चुनाव में। और आप देखें इलेक्शन कमीशन तो चुनाव आयोग जो है मोदी आयोग बना हुआ था। चुनाव वाले दिन हर पोलिंग बूथ के अंदर भाजपा का जो पोलिंग एजेंट है वो भाजपा के प्रत्याशी का फोटो लेके खड़ा था।